देश के गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इंदौर पहुंचेंगे। इस दौरान वे एक पेड़ माह के नाम अभियान के साथ ही पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ भी करेंगे। गृह मंत्री के इंदौर आगमन और कार्यक्रम को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं। वहीं इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने जिले के सभी शासकीय और निजी कॉलेजों के प्राचार्य के साथ बैठक की और गृह मंत्री के इंदौर में होने वाले कार्यक्रम को लेकर जानकारी दी। वहीं कलेक्टर ने कार्यक्रम में सभी को छात्रों प्रोफेसर की सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह के मुताबिक गृह मंत्री के इंदौर से ही प्रदेश के 55 प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर आज जिले के सभी शासकीय और निजी कॉलेजों के प्राचार्य के साथ बैठक की गई। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह से मिले निर्देशों के बाद अब सभी प्राचार्य कार्यक्रम की तैयारी में जुट गए हैं। देखिए माननीय गृह मंत्री जी का जो कार्यक्रम प्रस्तावित है 14 तारीख को और उनके द्वारा जो पीएम एक्सेलेंस कॉलेजेज हैं मध्य प्रदेश के उन सभी का शुभारंभ किया जाना है और बड़ी आनंद की बात है कि इंदौर से इसकी शुरुआत सभी कॉलेजेस के करी जा रही है। तो उस कार्यक्रम में सभी कॉलेजेस की सहभागिता रहे, चाहे वो स्टूडेंट्स हो चाहे वो फैकल्टी हो, उसके लिए सभी की बैठक बुलाई गई थी और उस कार्यक्रम से संबंधित अन्य अरेंजमेंट्स पे चर्चा हुई है। बहुत ही भव्य स्तर पर वो कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया जाएगा। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।